हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म एकेडमिक एक्सलेंस इन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डे 16 की वर्कशीट, हमारे गणित किताब 6 से 8 क्लास के लिए। चिन्हों को समझते हुए हल करें। इन चिन्हों को समझते हुए हम पहले से भी हल करते हुए आ रहे हैं, अब जल्दी से इनको भी हल कर लेते हैं। 6 × 18 का 8, हाथ में 1, 3 × 2 = 6, 1 = 7, 5 × 3 = 15, 6 × 24। पहले यहाँ पे मुझे क्रॉस लगाना पड़ेगा। क्यों क्रॉस लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, तो टेंस की कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। 6 × 24 = 4, हारसिन 2, 4 × 2 = 8, 2 × 10 = 0, कैरी 1, 4 × 5 = 20 और 1 = 21, तो ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 × 7 = 11 = 1, हारसिन 1, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 × 2 = 6, 1 = 8। अब ऐसे ही इसे भी गुणा करना है, ये है 4188। अब इसको भाग करते हैं। भाग करने के लिए बहुत ध्यान से हमें करना है, क्योंकि टेबल बड़ी आ गई है, 13 की, 15 की, 12 की और 8 की। तो 13 की टेबल से 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, तो 91 हो गया। 13 × 7 = 91 में यहाँ पे घटाएंगे तो 8 आ गया, और यहाँ पर आएगा 9 में से 1 = 8, और 7 यहाँ नीचे उतरेगा तो यहाँ आएगा 7, तो 87। अब 87 में क्या करूँ मैं? 13 × 6 = 78 हो गया, तो 13 × 7 = 91, तो 13 × 6 में ही जाएगा, ये हो जाएगा 78। 78 में अब 17 में से 8 गया तो 9 आएगा, और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ ऐसे यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो 9 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। 15 से भाग करना है 9044 को, तो 15 × 6 यानी 15 × 6 = 90, तो ये तो पूरा क्रॉस हो गया। अब 4 नीचे आएगा। अब मैं पहले भी बताया था आपको कि 4 नीचे आ रहा है, लेकिन वो 15 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या आ गई तो हमें दूसरी संख्या भी उतारनी पड़ेगी, लेकिन दूसरी संख्या उतारने से पहले हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरी संख्या आ गई 4, 0 लगाने के बाद। तो अब यहाँ 15 × 45 करूँगा तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 × 2 = 30 करके मुझे घटाना होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 14 रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। भाग करेंगे 12 से, तो 12 × 5 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 60, ये पूरा क्रॉस हो गया। अब 6 उतारेंगे तो 6 फिर भाग नहीं लगेगा 12 से, इसलिए फिर यहाँ 0 लगाकर फिर आगे की संख्या को उतारेंगे, तो 12 × 5 = 60। ठीक ऐसे ही 8 × 2 = 4, 7 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो सबसे पहले 8 × 1 = 8, तो ये क्रॉस हो गया। फिर 2 उतारेंगे, 2 कट नहीं रहा 8 से, तो पहले 0 करेंगे फिर अगला डिजिट उतारेंगे। ये 0 का ध्यान रखना है, कब रखना है और कब नहीं रखना है। तो अब 8 × 3 = 24, अब ये पूरा क्रॉस हो गया। अब उतरेगा 7, 7 आ गया यहाँ पर। अब 7 तो कट नहीं रहा, तो 7 रिमाइंडर हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 सवाल में रिमाइंडर आ रहा है और 1 सवाल अच्छे से डिवाइड हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ तक एक सवारी का बस किराया 750 रुपये है, तो बताएं 9 सवारियों का कितना किराया होगा? 750 रुपये एक का है, तो 9 का कितना होगा? इसको गुणा करना पड़ेगा। कुल किराया जो होगा वो होगा 6750 रुपये, 6750 रुपये। 2 संख्याओं का गुणनफल 876 है, यदि एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए 33 एक संख्या है, दूसरी संख्या क्या होगी? इसके लिए हमें 876 को 33 से भाग करना होगा ताकि दूसरी संख्या पता करी जा सके। तो 33 × 2 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 66, फिर आएगा यहाँ पर 7 × 6 = 1, 8 × 6 = 2, 6 नीचे उतरेगा यहाँ पर। 33 की टेबल पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, 33 की टेबल में कितनी बार पढ़ूंगा तो जाके ये कटेगा। तो मैंने 33 की टेबल 5 बार पढ़ा, तो अंदाजे से 150 हो रहा है। उसके ऊपर पढ़ूंगा तो फिर हो जाएगा 178, 198, तो 33 × 6 होगा 198। जब ये 198 हो रहा है तो अब आ रहा है हमारे पास 16 में से 8 गया 8, 10 में से 9 गया 1, 18, तो 18 ही बच रहा है रिमाइंडर, लेकिन हमें पूरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या पूरी चाहिए। तो अब मुझे 18 से आगे चलना पड़ेगा, यानी ये जो 18 है इससे मुझे पॉइंट लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट लगाया तो 180 हो गया, 180 फिर अब 5 से करेंगे,
तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 165। अब इसको हटाएंगे तो आएगा 15, 15 भी नहीं कट रहा है, फिर पॉइंट लगा रखा है इसलिए ज़ीरो लगाकर हम इसको एक बार और भाग करते हैं। एक बार हम भाग करते हैं 4 से, 26.54, तो ये हो जाएगा हमारा, 4 से भाग करेंगे तो 132, 132 को घटाएंगे 10 में 2 गया 8, 4 में 3 गया 1, 18। अभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन अब इसको हम दो डिजिट तक चले गए तो इसका सही आंसर 26.54 होगा। 26.54 दूसरी संख्या है जो गुणा करने के साथ 876 आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 3048, 3048 किताबें छात्रों के बीच वितरित की जाती हैं। प्रत्येक छात्र को 6 किताबें मिलती हैं। बताएं कितने छात्रों के बीच किताबें वितरित की गई। तो प्रत्येक छात्र को किताबें कितनी मिल रही हैं, 6। तो कितने छात्रों के बीच में वितरित की गई हैं, तो ये है हमारा 3048 को 6 से भाग करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा 508, यानी 508 बच्चे हैं जिनके बीच में 6-6 किताबें बांटनी हैं, तो हो जाएंगी 3048। थैंक यू वेरी मच।